नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। भारतीय जनता पार्टी के रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा विवादित बोल के लिए विख्यात हैं। यह कब क्या बोल जाएंगे इन्हें खुद नहीं मालूम, लेकिन इनकी बातों को गंभीरता से सुना जाए तो बात बड़ी प्रैक्टिकल कहते हैं। इसके पहले जनार्दन मिश्रा ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री के दाढ़ी से पीएम आवाज झड़ता है। बात मजाकिया अंदाज में कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात के पीछे निहितार्थ छुपा था, वह बहुत स्पष्ट था। नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आवास योजना चलाई। इसके पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए आवास योजना नहीं शुरू की थी। लेकिन जनार्दन मिश्रा के बोलने का लहजा कुछ इस तरीके से था कि लोगों ने इसे बिगड़ा बोल मान लिया। पंचायत चुनाव में मैंने एक अभियान चलाया था कि जो लोग धन बल शराब बल से चुनाव जीतना चाहते हैं उनको वोट न दिया जाए, और जिन लोगों ने पैसा लेके शराब लेकर के वोट दिया फिर वही लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि अब ये तो भ्रष्टाचार कर रहा सरपंच। तो ऐसी स्थिति में जो लोग पैसा लेके शराब और दूसरे गलत ढंग से उम्मीदवारों को जिताते हैं, ऐसे लोगों से मेरा ये कहना है कि भाई आप भ्रष्टाचार का साथ मत दो। भ्रष्टाचार के द्वारा जो लोग चुनाव जीतना चाहते हैं उनका विरोध करो। इस वर्ष भी पंचायत के चुनाव में जब ये दृश्य देखने में आया तो मन उद्विग्न हो जाता है कि आखिरकार ये पंचायती राज व्यवस्था में अगर भ्रष्टाचार के द्वारा चुनाव जीता गया तो निश्चित रूप से वो भ्रष्टाचार करेंगे और गांवों का विकास पंचायतों का विकास रुकेगा। मेरा सभी लोगों से अपील है कि आने वाले पंचायत चुनाव में जो लोग धन बल से शराब के बल से और गुंडागर्दी के बल से चुनाव जीतना चाहते हैं ऐसे उम्मीदवारों का कोई साथ न दे। जहाँ तक मेरा निजी सवाल है, मैंने भी पंचायत के चुनाव से पंचायत से ही चुनाव अपना चुनावी राजनीति शुरू की और कभी भी धर्म का और इस तरह के असामाजिक कृत्यों का कभी सहारा नहीं लिया। और जहाँ तक भ्रष्टाचार के मापदंड का सवाल है, मोदी जी की सरकार में कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करने की हिम्मत नहीं कर सकता और उसको जीरो टॉलरेंस का हम लोगों का लक्ष्य है। और मैं तो हमेशा जीवन में शुचिता और पारदर्शिता के साथ जीवन जीने का और हमेशा अपने कार्यकर्ताओं का मित्रों का लोगों का नागरिकों से अपील करता रहा हूं और जीवन में जीने का प्रयास किया है कि राजनीति में शुचिता, चाहे वो आर्थिक शुचिता हो, चाहे अपने कर्म की शुचिता हो, चाहे वचन की शुचिता हो, उसको कायम रखा जाए और इसी में इस देश के लोकतंत्र का कल्याण है और लोकतंत्र को बचाना है तो इन सारे मापदंडों को अपनाना पड़ेगा। इस देश में लोगों को हकीकत स्वीकार करने की आदत नहीं है। जनार्दन मिश्रा ने जो कल बोला, 100% अगर सत्य नहीं है तो सत्य के बहुत करीब है। वह भी लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, उन्हें मालूम है कि चुनाव लड़ने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं और कैसे कैसे जनता को प्रलोभन दिए जाते हैं, कैसे जनता से वोट लिया जाता है। अगर उन्होंने इस बात को सहजता और सत्यता के साथ स्वीकार किया तो इसमें गलत क्या था। पूरे देश का सिस्टम जब बिगड़ चुका हो और ऐसे में यदि कोई जनप्रतिनिधि सत्य बोल दे तो पूरे देश का मीडिया यह कहने लग जाता है कि सांसद के बोल बिगड़े हैं। यह कोई नहीं कहता कि देश के एक सांसद ने पंचायती चुनाव का स्याह सच उजागर कर दिया। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो आज की तारीख में कोई भी चुनाव बिना कंबल पैसा शराब बांटे नहीं लड़ा जा सकता। ऐसे में यदि जनार्दन मिश्रा ने सही बात कह दी तो हंगामा क्यों बरपा है। एक दिन पहले जनार्दन मिश्रा ने यह कहा था कि 15 लाख से कम की भ्रष्टाचार की शिकायत हमारे पास लेकर लोग ना आए, लेकिन जैसे ही उनका यह वीडियो वायरल हुआ वैसे ही वे दबाव में आ गए। 24 घंटे बाद उनके सुर और उनके बोल दोनों बदल गए। अब कहने लगे कि ऐसे लोगों को चुनाव में न जिताएं जो लोग धन बल के सहारे चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। देखते रहिए विशाल खबर। हम तो मजाक में कहते हैं जब लोग हमारे सामने आते हैं कि सरपंच बहुत भ्रष्टाचार कर रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे बात मत करो,
15 लाख के आगे अगर वो कर रहा है तो ठीक है, हम उसका भ्रष्टाचार मान लेते हैं। क्यों कि 7 लाख तो उसने ही चुनाव में लगाया, 7 लाख लगा के चुनाव जीता, और 7 लाख रुपए अभी अगले चुनाव के लिए चाहिए। महंगाई बढ़ेगी तो 1 लाख और जोड़ लो तो 15 लाख तो हो गए। 15 लाख के आगे अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो उसका भ्रष्टाचार समझ में आता है। यह परिस्थिति है।